2 रुपए दे दो, 2 रुपए भगवान के नाम पे, 5 रुपए दे दो अल्लाह के नाम पे, 30 रुपए दे दो। तीन तीन लड़कियां मिलके एक बच्चे से भीख मंगवा रही हो, बच्चे से भीख मंगवा रहे हो? कौन मंगवा रहा भैया, ये कौन है? अरे भैया छोड़ के गए, थोड़े 2 मिनट रुकना, मैं आ रहा हूँ। हेलो गाइस, मैं हूं जुबेर खान और आप सब देख रहे हैं बसंत न्यूज। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए भिखारी प्रैंक, जिसमें मेरा साथ दिया है छोटू दादा ने। ये लोगों के पास जाएंगे और वहाँ जाकर जब भीख मांगेंगे तो वीडियो में एक बहुत ही मजेदार ट्विस्ट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के एंड में। तबे तबे तो ठीक है दादा, मैं कह रहा हूँ, मैं तुम्हारा सामान लाना भूल गया कार में से यार। एक्सक्यूज मी मैम, 2 मिनट क्या कार में क्या ना, इनका डायपर रह गया, तुम्हें डायपर लेकर आ रहा हूँ, 2 मिनट याद रख लोगे इनका? 2 मिनट याद, पकड़ लो इनको, क्या गाड़ी क्या घुड़क जाती है कभी। मैं 2 मिनट में ला रहा हूँ कल भाई, 2 मिनट यहाँ तो आओ यार, बोलो 2 मिनट याद रख लो इनका, बस टॉयलेट करके आऊँ, लपक के टॉयलेट आ रहा है मेरे, 2 मिनट बस, 2 मिनट आया। ठीक है जल्दी जल्दी आना, ध्यान रखना भाई, बच्चा है यार थोड़ा सा, यार बहुत दाड़ का भाई है मेरा, तो आ रहा बेटा मैं ना। दिलों का ना पूछो सना, 2 रुपए दे दो, 2 रुपए भगवान के नाम पे, 5 रुपए दे दो अल्लाह के नाम पे, 5 रुपए दे दो। शर्म करो, तीन तीन लड़कियां मिलके एक बच्चे से भीख मंगवा रही हो, क्या बात नहीं है? अरे वो भैया छोड़ के गए थे। कौन से भैया? एक भैया आए थे, वो छोड़ के गए। हेलो, हाँ कोई 5 रुपए दे दो भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, 5 रुपए दे दो। क्या ही 8 रुपए दे दो, बच्चे से भीख मंगवा रहे हो? कौन मंगवा रहा भैया, ये कौन है? अरे भैया छोड़ के गए, थोड़े 2 मिनट रुकना, मैं आ रहा हूँ वापस। कौन से भैया छोड़ के गए? भैया छोड़ के गए यहाँ, आप तो मुझे यहाँ के लग नहीं रहे हो। भाई मैं देख रहा हूँ, मैं इधर से आ रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, ये बच्चा बेचारा भीख मांग रहा है। बेटा क्या कह रहे हो आप? आप चुप रहना और आप भी चुप रहना, मैं इनसे बड़ी है ना, तो बड़ी से बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो आप। हाँ वो भैया छोड़ के गए थे इनको, एक भैया है तो उन्होंने बोला इनका डायपर उसमें कार में रह गया है, तो वो लेने गए। डायपर कार में रह गया? हाँ, उन्होंने ही बोला। अच्छा ऐसा हाँ, बोला डायपर कार में रह गया, क्या बहाने बना लेती है यार, लड़कियां तुम तो कुछ भी कर सकती हो। एक सेकंड बेटा, कहाँ से उठा के लाया तुझे? मेरे को मेरे मम्मी पापा है ना, उनसे छीन के लाया जबरदस्ती मेरे को। यार मुझे गलत समझ रहे हो, ठीक बच्चे से मालूम करूं? हाँ पूछ लो इनसे यार। बेटा किसके साथ हो, कहाँ से आए हो? घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, हर एक को जेल पहुँचाएंगे, फांसी के तख्ते तक पहुँचाएंगे। एक बार बताओ तुम्हें कौन लेके आया, कहाँ से आयो? ये मेरे को अजमेर से पकड़ के लाया, जबरदस्ती उठा के लाया मेरे को, और दिन भर मार करेगा। बस बेटा बस, मैं समझ गया तेरा दुख, अब क्या बोलना है? भैया मैं नहीं लाया, एक भैया। तो बच्चा झूठ बोल रहा है? अरे क्या, क्यों यार भैया आप ऐसे झूठ बोल रहे हैं? मैं झूठ नहीं बोल रहा, तू ही तो पकड़ के लाया, ये पकड़ के लाया मेरे को। मैं तो यहाँ बैठा था यार, मेरी मैं बच्चे से एक बार बात कर लेता हूँ। बेटा कहाँ से लाई है? ये मेरे को मेवाड़ से पकड़ के लाए जबरदस्ती। मेवाड़ से? हाँ। ये देखो बच्चा बोल रहा है कि आप मेवाड़ से पकड़ के लाए, उसको भीख मंगवा रहे हो बच्चे से। वो छोड़ के गए। तो वो भैया भी आपके साथ मिले हुए हैं? नहीं वो भैया छोड़ के गए। तो भैया छोड़ के गए, वो मतलब बेच के गए आपको, किससे भीख मंगवाओ? उन्होंने बोला आप यहाँ खड़े। अच्छा उन्होंने बोला कि इससे भीख मंगवाओ? नहीं भीख मंगवाने को नहीं, इन्होंने बोला। अच्छा इन्होंने बोला भीख मांगने को? उन्होंने बोला। अच्छा उन्होंने बोला भीख मांगने को? बेटा तू रो मत, मैं तेरे साथ हूं, ऐसे लोगों को ठिकाने लगा। भैया मेरी बात का यकीन करो यार, क्या इल्जाम लगा रहे हो आप मुझ पर यार, ऐसे कैसे यार झूठा इल्जाम? क्या कह रहा है तुम्हारे साथ, तुम उसको अजमेर से उठा के लाए? यार हो सकता है ये साजिश कर रहे हैं मेरे साथ, कोई भैया साजिश करके चला गया। एक सेकंड, क्या क्या अत्याचार करते हैं यार? मेरे को जबरदस्ती भीख मंगवा रहे और जबरदस्ती पकड़ के लाए मेरे को। बेटा टेंशन मतलब मैं इनको है ना अदालत की हवा खिलवाऊंगा तीनों लड़कियों को। मेरे को मेवाड़ से पकड़ के लाए और है ना भीख मंगवा रहे और आज पैसे भी पूरे पैसे ले लेते हैं और मारते हैं। तीनों लड़कियां हैं जो मेवाड़ से, ये इनकी सरगना है, ये लड़की जिसको आप देख रहे हैं लाल टॉप में, मैं ऐसे ही आप लोग लाइव बने रहे। बेटा तू लाइव करता रहे, मैं इनकी पोल खोलता हूँ, ऐसे पकड़ के रखना। नहीं है मेरे साथ में, कसम खाओ। कसम से नहीं है मेरे साथ में, ऐसे खाओ ऐसे करे। एक भैया थे वो 2 मिनट का बोल के गए, अभी तक आए नहीं यार, मुझ पर ऐसे ही खामोखाब इल्जाम लगा रहे हो। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, सुनो ये आपके साथ नहीं है ना? नहीं है मेरे साथ, ये मेरे साथ बिल्कुल। ले जाओ तो आपके साथ तो हम आपके साथ मजाक कर रहे थे, प्रैंक शूट कर रहे थे, वो उधर कैमरा लग रहा है। यार भैया मजाक यार भैया, ऐसे ही हमारे साथ आपके साथ प्रैंक कर रहे थे, वो कैमरा लग रहा है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और छोटू दादा का चैनल है, उसकी वीडियो आपको यहाँ नजर आ रही होगी, उसे भी जाकर देखें, बहुत मजेदार वीडियो आपके लिए बनाते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। लव यू।